ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आज जहां पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश को लॉक किया गया है, लोगों को घर के अंदर रहने और अपने मुंह को मास्क से ढक कर रखने के लिए सरकार द्वारा सिफारिश की जा रही है, तो वहीं काफी जगहों पर पब्लिक द्वारा सरकार के नियम का उल्लंघन भी किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश से आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना के अंतर्गत परशुरामपुर के छावनी में आज काफी लोगों को नियम का पालन ना करते हुए एक मोटरसाइकिल पर 2-3 सवारियां को चलते हुए और बिना हेलमेट बिना मास्क लगाए हुए पाया गया, तो उनकी गाड़ियों को थाने के तमाम सिपाही के द्वारा काफी चालान भी काटा गया। चालान काटते समय ड्यूटी पर चौकी इंचार्ज राम कृपाल सोनकर सिपाही सोनू कुमार ने बताया कि प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जो अनावश्यक रूप से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए आजमगढ़ से अजीत प्रजापति की रिपोर्ट। प्राइम न्यूज 24 से आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कौन सा थाना है? यातायात परशुरामपुर के परशुरामपुर जी 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 सर, आप बताइए, आपके पास मास्क क्यों नहीं है? सर खेतों में काम चल रहा है। तो सर मास्क लगाना जरूरी है आपको ना? आखिर पे आप लोग ऐसा आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरकार के नियमों का उल्लंघन क्यों करें बताइए? सरकार के नियमों से क्या लेने देना बताइए। आज आप ही लोगों के लिए पूरा ये देखिए जो कि ये लोग गाड़ी लेके चल रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग का पास भी लगाए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के तरीके से इन लोगों ने अनुपालन नहीं कर रहे हैं। और जहां तक देखा जा रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ यहां पे चेक इन की